गांधी कॉलोनी में सास ने बहू पर किया धारदार हथियार से हमला, जख्मी बहू को लाया गया जिला अस्पताल। चूरू शहर के गांधी कॉलोनी में शुक्रवार को एक सास ने अपनी ही बहू पर धारदार हथियार से हमला कर दिया। हमले से बहू के हाथ की कलाई पर चोट आई, जिसे परिजन राजकीय भरतिया जिला अस्पताल के आपातकालीन वार्ड लेकर पहुंचे। जख्मी बहू के साथ सास भी अस्पताल पहुंची, जिसने किसी भी तरह के हमले से इनकार किया है। सूचना के बाद अस्पताल चौकी पुलिस ने मामले की जानकारी जुटाई। जानकारी के मुताबिक गांव मेलूसर के 29 वर्षीय कविता की शादी 10 साल पहले चूरू के गांधी कॉलोनी निवासी अर्जुन के साथ हुई थी। कविता के पिता श्रीगंगानगर में पुलिस में नौकरी करते हैं। कविता ने बताया कि शादी के बाद से उसे कम दहेज के लिए पति और ससुराल पक्ष के लोग परेशान करते थे। पति ने उसे गला दबाकर मारने का भी प्रयास किया था। पति मारपीट करता है और उसे साथ रखना नहीं चाहता। 6-6 महीनों तक उसकी कोई सुध भी नहीं लेता। उसकी सास भी उसे टॉर्चर करती है। शुक्रवार सुबह उसने घर का काम कर लिया था। घर का थोड़ा काम बाकी था, जिसे आराम से कर रही थी, तभी सास ने उस पर हथियार से हमला कर दिया। इसी मामले में सास शीला ने बताया कि उन्होंने बहू कविता के साथ किसी भी प्रकार का हमला नहीं किया है। बर्तन साफ करने की बनाई जाता है, बात करने की कोशिश करी थी मैं रात आकर।